नमस्कार मित्रों, मैं क्लास 10th के लिए मैथ वाले विद्यार्थियों के लिए चैप्टर त्रिकोणमिति का हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें पूरा एकदम शुरू से होगा, बेसिक लेवल से होगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अक्सर वीडियो में हम सब देखते क्या हैं कि एकदम डायरेक्ट बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है और डायरेक्ट त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ अर्थात साइन थीटा कोस थीटा पर आ जाते हैं लोग। लेकिन हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं एकदम शुरू से, त्रिकोणमिति का परिचय लेकर के चलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कोण क्या होता है पूरे कोण को ही पढ़ेंगे पार्ट बाय पार्ट। त्रिकोणमितीय कोण, ज्यामितीय कोण क्या होता है सभी का डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा आनंद लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। बहुत आसान तरीका से आपको त्रिकोणमिति को हम समझाएंगे। पहले हम चलते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो है यानी कि जो ये तीन ग्रीक वर्ड से बना हुआ है त्रिकोणमिति, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति, जिसका इंग्लिश आपने लिखा हुआ ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है तीन ग्रीक शब्द से बना है। तीन ग्रीक शब्द कौन कौन सा, तो यहाँ लिख दें हम ट्रिगोनोमेट्री। ये जो है आपका, ये आपका तीन ग्रीक शब्द से बना है ना, ट्रिगोनोमेट्री तीन ग्रीक शब्दों से बना है। अब कौन सा है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इसमें तीन शब्द कौन कौन सा है तो आप गौर करेंगे इसमें, तो ट्राई, उसके बाद गोनिया, ट्राइगोनिया और मेट्रॉन। आप देखिए ये ग्रीक शब्द है। आपके साथ समस्या हो रहा होगा ग्रीक, कि ग्रीक होता क्या है, ग्रीक शब्द क्या है, ग्रीक शब्द किसे कहते हैं। बहुत सारे सिचुएशन में आप देखते होंगे अक्सर ग्रीक शब्द के क्या है, ग्रीक शब्द आप याद कर लेते हैं, ग्रीक क्या है, ग्रीक किसे कहते हैं। बहुत मजा आने वाला है। ग्रीक शब्द जो है, ग्रीक एक भाषा है, जैसे हिंदी एक भाषा है, उसे ग्रीक भाषा है। आप देखते हैं इंडिया, आप इंडिया लिखते हो, इंडिया के ये क्या है, देश है। जैसे इंडिया की भाषा क्या हो जाता है, भाषा, जल्दी बताइए बुआ, इंडिया की भाषा क्या है, हिंदी है। उसी प्रकार से है ना, ग्रीक एक भाषा है, क्या है, ग्रीक एक भाषा है। तो ग्रीक एक भाषा है तो किस देश का भाषा है, ये किस देश का भाषा है, तो ग्रीस का है, किसका है, ग्रीस का। बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया है ना। तो ग्रीस एक देश है ना, और ग्रीस देश का भाषा है ग्रीक। तो ग्रीक शब्द है क्या, ट्राइगोनिया और क्या चीज, जल्दी बोलिए, बहुत अच्छा है ना, मेट्रॉन। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोग इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी शब्द इसका क्या होता है, अंग्रेजी शब्द इसके लिए क्या यूज होते हैं, इसका होता है THR है ना, EEE, इसका क्या होता है, इसका होता है आपका एंगल है ना, एंगल ANGLE एंगल, इसका क्या हो जाएगा, मेट्रॉन का मेजरमेंट, मेजरमेंट हो जाता है ना। अब इसका हिंदी में देखेंगे तो इसका होता है तीन, या संस्कृत में हम लोग त्रि भी बोलते हैं, त्रि, इसको क्या कहते हैं, कोण है ना, इसको क्या कहते हैं, मापना या मिति भी बोला जाता है, मिति। बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छा से हुआ, इस समझ में आ चुका है ग्रीक के बाद, ग्रीक वाला बात हम बता दिए हैं, ग्रीक क्या है, एक शब्द है, भाषा है, सॉरी है ना, और उसी के तीन शब्द हैं ये। इसको अगर मिलाते हैं बुआ, त्रिकोण और मिति, क्या बन जाता है, त्रिकोण मिति। इसके लिए अब आपको कोई भी सस्पेंशन नहीं होने वाला है कि किस प्रकार से त्रिकोणमिति को, ट्राइगोनोमेट्री को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, या त्रिकोणमिति को ट्राइगोनोमेट्री क्यों लिखते हैं। बेसिकली इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ थोड़ा सा परिचय नाम के बारे में। इसके लिए और भी कॉन्सेप्ट हम जानेंगे और अंदर तक जानेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, इसमें क्या पढ़ते हैं जो। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जानेंगे। इतना समझ में आ गया है ट्राइगोनोमेट्री क्या है, ट्राइगोनोमेट्री तीन शब्द, तीन ग्रीक शब्द से बना है, ट्राइगोनिया मेट्रोन, बहुत बढ़िया है ना, थ्री इसका होता है एंगल्स, इसका मेजरमेंट, आप एंगल्स भी लिख सकते हो, तीन है तो पुडल हो जाएगा। तो क्या हो गया, हुआ ट्राई
थ्री गोनिया एंगल्स मेट्रोन मेजरमेंट कुल मिला के क्या हुआ हुआ तीन कोण मापन अर्थात तीन कोणों के माप के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, हम लोग और जानते हैं विशेष बात इसके बारे में। बहुत बढ़िया, चलिए अब आप देखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ है ना, त्रिकोणमिति तो त्रिकोण, त्रिकोणमिति जो हुआ त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है ना। बहुत बहुत बढ़िया से समझ में आएगा बुआ, बहुत पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, एकदम मजा आने वाला है ना। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है सर, तो हम कहेंगे अभी जस्ट बताए थे आपको, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, अमिति मतलब मापना, तीन कोणों के माप को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। या तो आप ध्यान दीजिएगा तो त्रिकोण हम किसे कहते हैं, त्रिभुज को, त्रिभुज, त्रिभुज के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, इस तरह से कहते हैं। क्या करेंगे है ना, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तीन कोणों के माप, तीन कोणों के माप, तीन अरे तीन कोणों, कोणों, कोणों के माप, मापन, मापन, तीन कोणों के मापन, या कह सकते हैं त्रिभुज, 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 त्रिभुज का मापन, मापन, त्रिभुज का मापन। समझ में आ गया, यहाँ पर त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों के माप है ना, मापना, या कहो त्रिकोण मतलब क्या, त्रिभुज, त्रिकोण मतलब त्रिभुज, इसको त्रिभुज भी कह सकते हैं, त्रिभुज, भुज, क्योंकि जिसमें त्रिकोण होगा, तीन कोण होगा उसमें तीन भुजा भी होगा, त्रिभुज। अर्थात हम लोग क्या करेंगे इसमें मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज वाले कंडीशन को, समकोण त्रिभुज के ही बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे और जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा वो समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा, बताएंगे आगे हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो आप समझें त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तीन कोणों का माप, जो कि क्लियर हो गया, बहुत मजा आया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बुआ, अब क्या क्या समझने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको है ना परिचय के बारे में देखा जाए त्रिकोणमिति का, तो हम बताएं अभी इसके नाम के बारे में चर्चा की है ना। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए त्रिकोणमिति के पिता कौन है, है ना, परिभाषा इसका क्या होगा, तो परिभाषा भी हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले परिभाषा उसके बाद हम जनक के नाम बताएंगे, इनके पिता के नाम बताएंगे। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा, त्रिकोण, त्रिकोण है ना, मिति, त्रिकोण मिति, मिति का परिभाषा, परि, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ, त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या दीजिएगा, तो हम कहेंगे क्या चीज़ कि गणित का वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, त्रिभुज के कोण के साथ उनके भुजाओं का संबंध के, संबंध के यानी कि संबंध पढ़ा जाता है, कोण के साथ भुजाओं का संबंध, कोणों के साथ भुजाओं का संबंध, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलें, त्रिभुज में कोण और उसके भुजा, आप देखते होंगे या तो शुरुआती बच्चा जब आप लोग यानी कि जूनियर क्लास में होंगे तो वहां पर क्या पढ़े होंगे आप लोग, भुजा के बारे में पढ़ते होंगे तो कोण के बारे में नहीं, कोण के बारे में तो भुजा के बारे में नहीं, अर्थात कोण का मान निकालते होंगे तो वहाँ पर भुजा का कोई डिस्कस नहीं होता होगा, जब भुजा का निकालते होंगे मान तो वहाँ पर कोण का डिस्कस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोण भुजा साथ लेकर चलना पड़ेगा, यही हो गया त्रिकोणमिति। तो क्या कहेंगे, कोणों के साथ भुजाओं का संबंध है ना, त्रिकोणमिति है, सिंपल सी बात। तो क्या कहेंगे, हाँ गणित का वह शाखा, गणित क्या, गणित, गणित, गणित के वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें, जिसमें गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों की, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज के, त्रिभुज के भुजाओं, भुजाओं, भुजाओं तथा कोणों, भुजाओं तथा कोणों के पर, हाँ कोणों के भुजाओं तथा कोणों के पारस्परिक, पारस्परिक, पारस्परिक संबंधों, संबंधों, संबंधों का अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है ना, उसे क्या कहेंगे, हाँ उसे त्रिकोणमिति कहते हैं,
उसे आप समझ गए होंगे त्रिकोणमिति कहा जाता है। हमने क्या कहा कि गणित की वह शाखा या वह भाग जिसमें त्रिभुज के भुजाओं है ना, त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बीच या कहो कोणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज में हम एक ही साथ कोण लेंगे और भुजा के साथ संबंध दो जोड़ के दिखाएंगे, वो क्या कहलाएगा त्रिकोणमिति कहलाएगा। यानी कि आपका डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा, बहुत मजा आ रहा हुआ है, एकदम आनंद से देखिए पूरा समझिए, मजा आने वाला है ना, समय दीजिए पूरा मजा आएगा। और देखिए अगर बात कहा जाएगा कि त्रिकोणमिति के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध सबसे पहले किसने स्थापित किया था, तो ही पार्कस ने है ना, 140 BC में किया था। अगर कोई पूछे बताइए त्रिकोणमिति के जनक कौन है ना, त्रिकोणमिति के जनक के बारे में कहेगा यानी फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बेहिचक जवाब देंगे क्या है ना, हिप्पार्कस। क्या बोलेंगे, हिप्पार्कस। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा, हिप्पार्कस है ना। इसे अगर आपसे पूछा जाए क्यों हिप्पार्कस को ही क्यों, क्योंकि सबसे पहले है ना, हिप्पार्कस क्या थे एक बार, हिप्पार्कस क्या है, एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने सबसे पहले हिप्पार्कस ने क्या किया, सांदे से बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि भुजा के बारे में लोग पढ़ते हैं तो कोण के बारे में नहीं, कोण के बारे में पढ़ते हैं तो भुजा के बारे में नहीं, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कोण के साथ भुजा का रिलेशनशिप जोड़ा जाए, तो कोण और भुजा के बीच में संबंध उन्होंने दर्शाया। और सबसे पहले है ना कितना ईस्वी में, 140 BC में उन्होंने है ना त्रिभुज के कोण के साथ भुजाओं के संबंध को दर्शाया, अर्थात कोण के साथ भुजाओं के संबंध को दर्शाया। इस प्रकार से आप कह सकते हैं किसने, तो हिप्पार्कस ने, कब, 140 BC में। इसीलिए हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। तब पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा कि हिप्पार्कस ने है ना 140 BC में सर्वप्रथम त्रिकोणमिति के बारे में उल्लेख किया। आप कह सकते हैं कि हिप्पार्कस ने ही सर्वप्रथम भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध स्थापित किया, कौन, हिप्पार्कस ने। इसीलिए हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। इतना समझे आप, बहुत मजा आया है ना। और आगे के टॉपिक हम चलने वाले हैं, ध्यान से देखिए। चलिए इसका अगला टॉपिक क्या होगा, हुआ अगला टॉपिक में तुम्हारा रहेगा, देखिए ये जो पढ़े आप इथा त्रिकोणमिति का परिचय है ना, त्रिकोणमिति का परिचय आप पढ़े है ना, त्रिकोणमिति का परिचय बहुत मजा आएगा, एकदम आगे पूरा देखिएगा तब हुआ है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री बहुत मजा आएगा, एकदम ध्यान दीजिए हुआ, एक आकर्षक अद्भुत दम लगेगा है ना, गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो हमने यही पढ़ा अभी जस्ट, त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ा। एक्चुअली आप ये स्टडी कर चुके हैं, त्रिकोणमिति के थोड़ा सा परिचय आप जाने हैं नाम के बारे में, और हम आगे ही बताने वाले हैं। यहाँ के बाद अक्सर वीडियो में देखा जाता है कि त्रिकोणमिति अनुपात बताया जाता है, लेकिन हम आपको त्रिकोणमिति अनुपात अभी नहीं बताएंगे, आपको हम बताने वाले हैं। आप दिमाग लगाइए, सोचिए कि यहाँ पर पूरा डिस्कस जो होने वाला है कोण के बारे में, एकदम बिल्कुल सही बोला, कोण के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कोण का ही चर्चा होगा, कोण के ही मिति करेंगे, कोण के ही बारे में पढ़ेंगे, तो क्यों ना सबसे पहले हम कोण को पूरा पढ़ लें। बहुत सारे कोण होते हैं, शून्य, जीरो डिग्री का एंगल होता है, न्यून कोण जिसको एक्यूट एंगल कहा जाता है, न्यून कोण होता है, न्यून कोण ऑब्ट्यूस एंगल होता है यानी कि अधिक कोण होता है, राइट एंगल होता है यानी कि समकोण होता है, ऐसा बहुत सारे एंगल है, तो हम क्यों ना सबसे पहले उसे पूरा को पूरा पढ़ लें। इसको पढ़ने के बाद उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या चीज, इसके बाद आपको हम बताएंगे कैसे उसे मापा जाता है, मापने के बारे में, अर्थात हम अभी चलने वाले हैं कोण, कोण के ऊपर है ना, त्रिकोणमितीय कोण, त्रिकोणमितीय स्टडी का प्रोसेस ये क्लियर किए अभी, अभी चलने वाले हैं त्रिकोणमिति या कहो कोण के बारे में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा कोण होता क्या है ना, कोण, और उसके बाद पढ़ाएंगे कोण मापन की पद्धति ये पढ़िएगा, कोण मापन की पद्धति। देखिए कोण पढ़ेंगे तो कोण में दो चीज आएगा, एक त्रिकोणमिति, त्रिकोण, मजा आने वाला है। आप सोच रहे होंगे कौन पढ़ाएंगे सर, नहीं कौन पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट होगा, कुछ एक अलग टॉपिक होगा, मजा आने वाला है, पूरा समझिए थोड़ा सा। त्रिकोण
है ना, त्रिकोणमितीय कोण, त्रिकोणमितीय कोण पढ़ाएंगे, त्रिकोणमितीय कोण एक पढ़ाएंगे, ज्या ज्यामितीय 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 कोण, एकदम आनंद आने वाला है बाबू, खाली ध्यान से देखिए और समझिए है ना। उसके बाद टॉपिक आएगा आपका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, मितीय निष्पत्तियां, बहुत अच्छा हुआ निष्पत्तियां, तब आएगा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आपका है ना। खाली ध्यान से देखते रहिए, एकदम मजा आने वाला है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अर्थात अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात आप अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो एंगल्स हो गया, ये क्या हो गया है ना सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, ये क्या हो गया निष्पत्तियां, रेशियो, रेशियो ऑफ सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, यही सब हम लोग पढ़ेंगे, गर्दा उड़ेगा एकदम, बहुत मजा आने वाला है। चलिए बिना देर करते हुए हम लोग कोण के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए कोण की चर्चा थोड़ा सा करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर त्रिकोणमिति में कोण पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन आप सोचिए, दिमाग लगाइए, वहाँ न्यून कोण का चर्चा होता है, अधिक कोण का चर्चा होता है। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, वहाँ अधिक कोण का, न्यून कोण का, ये सब का अगर डिस्कस चर्चा होगा, राइट एंगल का चर्चा होगा, वो सब नहीं जानिएगा तो कैसे मजा आएगा। तो बीच में वो बिंदु जो आपको पता नहीं होता है, आप उसको स्टडी करते हैं तो वहाँ पर बाधा वही डालता है जो आपको पता नहीं होता है। छोटे छोटे बिंदुओं को हम क्लियर करने वाले हैं, एकदम मजा आने वाला है। चलिए पहले कोण पढ़ेंगे, उसके बाद मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद नापने के बारे में बताया जाएगा कैसे कोण को नापा जाता है। बहुत सारा बच्चा ये जानता है कि कोण को सिर्फ डिग्री में ही मापा जाता है, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। अगर हम कहेंगे कि एक समकोण बराबर पाई बाई 2 रेडियन होता है तो एकदम हिल जाएगा माइंड, कैसे कैसे होता है, तो पूरा के पूरा इसमें जानने वाले हैं। जबकि एग्जाम में ये भी पूछ जाता है साइन पाई बाई 2 का मान क्या होगा, बच्चा का दिमाग उड़ने लगता है कि पाई कैसे दे दिया, कैसे हो गया 3/2, कैसे 3π/2 कहाँ हो गया, क्या है, इसको हम लोग सिखाएंगे कैसे बदला जाता है डिग्री में, रेडियन में, ग्रेड में, एकदम मजा आएगा। इसको मिटार के हम यहाँ पर अगर 100 ग्रेड लिख दें तो आप सोचेंगे 100 ग्रेड कैसे होगा, 90 डिग्री ही सिर्फ होगा, जबकि हम कहेंगे एक राइट एंगल 100 ग्रेड के ही बराबर होता है, तो आपका दिमाग हिल जाएगा। लोग उनका जिनको यानी कि जिनको पता नहीं है उनका दिमाग हिल जाएगा, सोचिए कैसे कैसे हो रहा है। हम कहेंगे यही तो बात है बाबू, पाई बाई टू बराबर 90 डिग्री बराबर क्या चीज़ आपका होता है 100 ग्रेड, यही तो बात है। इस चीज़ को हम पढ़ाएंगे पूरा डीपली, से मजा आने वाला है, एकदम आनंद आएगा। नहीं पढ़े हैं तो एकदम बहुत बढ़िया, पढ़े हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, सीखने वाले आनंद एकदम मजा आएगा। चलिए हम लोग बिना देर करते सीखते हैं कोण के बारे में, ठीक है, आइए चलिए कोण के बारे में सीखेंगे। पहले कोण आइए लिखते हैं आप पहले कोण, बहुत मजा आएगा। कोण को लिखिए अंग्रेजी में एंगल, एंगल क्यों सर क्यों पढ़ा रहे हैं, अरे बाबू क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, जब तक कोण नहीं तो त्रिकोणमिति नहीं, इसीलिए पूरा आनंद आएगा, एकदम गर्दा उड़ेगा बाबू। चलिए कोण किसे कहते हैं, बचपन में आप पढ़े होंगे किरण, किरण ने पढ़े हैं तो हम पढ़ा देते हैं। चलिए आइए योग्य रेखा, आप जानते हैं क्या चीज़ की, जिसमें लंबाई, वह पथ, पथ में रास्ता जिसमें लंबाई हो चौड़ाई ना हो, चौड़ाई मतलब ये वाला चौड़ाई ना के बराबर हो, लंबाई अनंत हो, जिसे दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है, वही रेखा कहलाता है, जिसको क्या कहेंगे हम, यह देखिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, हाँ दोनों तरफ, हाँ नीतीश चाचा जी का तीर बना दीजिए, यह देखिए क्या हो गई आपका, हो गया रेखा। इसीलिए हमने बोला रेखा को बीच से काट दीजिए, आपका बन गया 2 किरण, बहुत बढ़िया हुआ, यानी कि किरण के एक छोर पर है ना बिंदु होता है, एक छोर पर तीर होता है, मतलब कि सॉरी एक रेखा को काटिएगा बीच से तो 2 किरण बनेगा, एक इधर एक इधर, अर्थात किरण क्यों बता रहे हैं, क्योंकि किरण का यूज होने वाला है यहाँ पर, हम लोग डिफिनेशन में यूज करने वाले हैं, इसीलिए किरण समझा दिए। मेरा मानना है एक पॉइंट भी बाधा ना बने आपको समझने में, आइए
किरण किसे कहते हैं, सॉरी किरण समझ में आ गया, एक बिंदु से किसी और बढ़ा दीजिए उसको अनंत तक, कहीं भी जाएगा किरण, है ना, ये सब किरण कहलाएगा। एक बिंदु से अनंत किरणें खींची जा सकती है, चलिए भी बात याद रखिएगा। कौन किसे कहते हैं, वाजते हैं कौन, तो कहेंगे जब एक बिंदु से, डिफिनेशन में, जब एक बिंदु से अलग अलग दिशा में दो किरणें खींचा जाता है ना, दो किरणें खींची जाती है तो इनके बीच के, है ना, इसके बीच के, बाबू बहुत बढ़िया, इसके बीच की दूरी को हम कोण कहते हैं। बातें बात में मजा आ गया ना, एक बिंदु से जब दो किरण को हम खींचते हैं अलग अलग दिशा में तो किरणों के बीच की दूरी ही कोण कहलाता है। बच्चा बहुत सारा पूछ देता है, सर इस साइड क्या है आप बताइए, है ना, बहुत बढ़िया, इस साइड कोण है तो इस साइड भी कोण होगा। हमने क्या कहा, एक बिंदु से अलग अलग दिशा में खींचे गई किरणों के बीच की दूरी, यह देखिए इधर भी इधर भी, बस फर्क यह है कि इधर वाला कहलाएगा अंतः कोण, इधर वाला तुम्हारा कहलाएगा वाय कोण। मजा आ गया एकदम, फाड़ चीट दो एकदम पूरा, कॉपी नहीं फाड़ना, नोटबुक नहीं फाड़ना है, अरे गर्दा उड़ा देना है एकदम, समझे कि नहीं, पूरा समझ के एकदम, बहुत मजा आने वाला है एकदम। चलिए ठीक है, तो कौन समझ में आ गया, डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, हाँ सुन लीजिए, लिखेंगे कि जब एक बिंदु से, एक बिंदु से अलग अलग दिशा में, एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में ना, एक एक ही बिंदु, एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से दो किरणें, दो किरणें अलग अलग दिशा में, अलग 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 दिशा में, दिशा में खींची जाती है, खींची जाती है, खींची जाती है, अलग अलग दिशा में खींची जाती है, तो है ना, दोनों दोनों किरणों, तो दोनों किरणों के बीच, तो दोनों किरणों किरणों के बीच, दोनों किरणों के बीच बीच के क्षेत्र, के क्षेत्र बीच के क्षेत्र क्या कहलाता है, कोण कहलाते हैं, कोण कहलाते हैं, है ना, कोण कहलाते हैं। एक बिंदु दो किरण, बीच का क्षेत्र कोण, इधर भी क्षेत्र कोण, समझ में आ गया, मजा आ गया। एग्जाम्पल लिखना है तो फाड़ दो ना जी, दिक्कत क्या हो रहा है तुमको, दिक्कत क्या हो रहा है, कोण हो गया, क्या है, कोण को एंगल भी कहते हैं, है ना। चलिए क्लियर हो गया, बहुत मजा आया हुआ है ना, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, इसको मिटा देंगे, ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए, एक ही बिंदु से दो किरणें अलग अलग दिशा में पर हमेशा बिंदु पड़ता हुआ, बहुत अच्छा, में खींची जाती है तो दोनों किरणों के बीच के क्षेत्र को कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे अब आप सोच रहे होंगे कि कोण क्यों पढ़ाया जा रहा है, पहले बता चुके हैं, चूंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, कोण पढ़ना मजा आएगा, कोण पढ़ेंगे उसके बाद जब हम कोण मापने के लिए सिखा देंगे तब हम जाएंगे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां पर, एकदम आनंद आने वाला है। पार्ट टू भी वीडियो आएगा, आनंद से आप पढ़िए, एकदम खूबसूरत, बहुत मजा आने वाला है ना। तो वह अक्सर आप जो कोण पढ़ते हैं वो ज्यामितीय कोण होता है ना, लेकिन यहाँ पर आपको दो प्रकार के कोण हम पढ़ाएंगे, है ना, कोण कोण हम दो तरह का या कोणों के वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, या कहिए आप एक हो जाएगा तुम्हारा त्रिकोणमितीय कोण, समझिएगा, एक हो जाएगा पहले ज्यामितीय पढ़ाएंगे, ज्यामितीय एक हो गया आपका ज्यामितीय कोण जिसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल एंगल, बहुत मजा आएगा, समझिए, खाली एक हो जाता आपका त्रिकोण मितीय, ठीक है, त्रिकोण मितीय कोण ये हो गया आपका, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल, ये हम लोग पढ़ेंगे,
आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो पढ़े हैं एकदम हरे पढ़े हो, लेकिन पता नहीं था कि उसको क्या कहते हैं। समझिए पहले आप जो आप पढ़ते हैं न्यून कोण अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल ना, आप जो पढ़ते हो समकोण न्यून कोण सब यही है ना। ज्यामितीय कोण और त्रिकोणमितीय कोण क्या होता है पहले समझ लो, है ना। ज्यामितीय कोण क्या कहेंगे, वह कोण जो हमेशा धनात्मक होता है, मतलब प्लस में जो पॉजिटिव होता है, एकदम पॉजिटिव होता है, जो कभी नेगेटिव नहीं, नेगेटिव कोण का मान नहीं होता है किसमें, तो ज्यामितीय कोण में। ज्यामितीय कोण में कभी भी नेगेटिव में कोण का मान नहीं होता है। त्रिकोणमितीय कोण का सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें हम कहेंगे कि कोण प्लस भी होता है, पॉजिटिव भी और या नेगेटिव भी होता है। पर सर डिफिनेशन नहीं हुआ, डिफिनेशन बताइए, डिफिनेशन ज्यामितीय कोण का डिफिनेशन बताइए सर जी, यही तो कह रहा होगा। बहुत बढ़िया, डिफिनेशन बताएंगे हम ज्यामितीय कोण का, त्रिकोणमितीय कोण का। देखिए समझिए पहले ज्यामितीय कोण कैसे बनता है। हम कहेंगे कि यहाँ पर बुआ ये तो समझ में आ गया, ज्यामितीय कोण हमेशा पॉजिटिव होता है और त्रिकोणमितीय कोण पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। लेकिन हम कहेंगे ज्यामितीय कोण जो होता है बुआ, ज्यामितीय कोण जो होता है, ज्यामितीय कोण सॉरी ज्यामितीय कोण में देखा जाए तो कैसे निर्माण, ज्यामितीय कोण का निर्माण कैसे होता है या ज्यामितीय कोण किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे जब दो किरण, आप जानते हैं कि कोण का निर्माण दो किरण से होता है कि नहीं होता है, बहुत बढ़िया। हाँ तो ऐसे कर दिए और हम दो किरणों से कोण को हम बनाए हैं, तो हम कहेंगे ध्यान से कि जब किसी एक किरण को है ना स्थाई रखकर और दूसरे किरण को घुमाकर है ना, जैसे मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, इसको स्थाई रखे हैं, स्थाई इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, इसको घुमाया जा रहा है। देखिए ऐसा समझिए, यहाँ पर स्थाई किरण उसको उठा के यहाँ लाया गया है, कोण बनाया गया है ना, इसको घुमाया गया है, तब पर भी कोण यहाँ पर जो होगा, कोण जो भी बनेगा यहाँ पर ये क्या होगा, पॉजिटिव कोण होगा, है ना। अगर मान लिया जाए कि इस बार हम लोग देखें जब कोण है यहाँ पर ए बी सी, ये जो कोण बना है ये कोण ये पॉजिटिव है, हम किधर से इसको स्थाई रखे हैं इसको घुमाए हैं, या हम अभी इस बार इसको स्थाई रखते हैं ए वी, स्थाई मतलब होता है स्टे करके रखना, उसको रोक कर रखना, स्टॉप करके रखना, और हम इस बार अभी इसको घुमा रहे हैं है ना, उल्टा घुमा रहे हैं ऐसे, ये क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ये को हुआ क्लॉकवाइज है ना, ए एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमता है, घड़ी आपका घड़ी इस प्रकार से घूमता है, ऐसे ऐसे घड़ी ऐसे घूमता है ना इस तरह से, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो घुमा रहे थे हम अभी है ना, ये एंटी क्लॉक हुआ, तो आप एंटी क्लॉक मतलब होता है वामावर्त, एंटी क्लॉक मतलब, और क्लॉकवाइज मतलब क्या चीज होता है दहिनावर्त, दक्षिणावर्त है ना। तो आप वामावर्त घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे यानी कि एक किरण को स्थाई रखो, दूसरे किरण को घुमाओ, दूसरे किरण को यहां से यहां लिया है ना, तो दूसरे ऐसे घुमा लो, अच्छा है तुम इधर से घुमा के बना लो कोण, दोनों कोण पॉजिटिव ही रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ज्यामितीय कोण में किसी को स्थाई रखो, किसी को घुमा के, किसी को भी इसको स्थाई रख के इसको घुमा लो, चाहे इसको स्थाई रख करके इसको घुमा के कोण बनाओ, दहिनावर्त में चाहे वामावर्त में, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें हमेशा ज्यामितीय कोण में कोण पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और यहाँ देखा जाए त्रिकोणमितीय कोण में तो क्या कहेंगे कि त्रिकोणमितीय कोण में क्या होता है कि जिस कोण एगो इसमें हमेशा स्थाई रखा जाता है, इसमें किसी को घुमाया जा सकता है, याद रखिएगा। हम कहेंगे ज्यामितीय कोण वह कोण है जिसमें किसी भी रेखा को किसी भी दिशा में घुमाने पर हमेशा धनात्मक कोण प्राप्त किया जाता है, ऐसा कोण जिसमें किसी दोनों रेखाओं दोनों किरणों में से किसी भी किरण को किसी भी दिशा में घुमाकर दोनों किरणों में से किसी भी किरण को किसी भी दिशा में घुमाकर हमेशा धनात्मक कोण प्राप्त होता है, तो उसे हम कहेंगे ज्यामितीय कोण। लेकिन वैसा कोण जिसमें हमेशा एक किरण को स्थाई रखा जाता है, एक भुजा को स्थाई रखा जाता है और एक को घुमाया जाता है, एक गति में रहता है, यानी कि एक को गति करवाया जाता है, एक को इसे एक स्थाई है, यह स्थाई हो गया, यह स्थाई एक अस्थाई माना जाएगा, यह स्थाई है, अस्थाई भुजा या स्थाई किरण यह स्थाई रहेगा, ये वो घूमेगा, चलो मानते हैं ये घूम रहा है, ठीक है ये घूम रहा है, तो अगर इसमें क्या करेंगे हम कि ये स्थाई है, ये हो गया अस्थाई, ये है चलने वाला, ये घूम रहा है, ठीक है यहाँ आ गया अभी, ठीक है यहाँ आ गया है, ठीक है, तो एक ही साइड घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, अगर है ना, अगर मान लीजिए कि सर इसको क्या सिर्फ ऐसे ही घुमाया जा सकता है, एक ही क्षेत्र में ऐसे घुमाया जा सकता है, इधर नहीं, तो हम कहेंगे इधर भी घुमाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए देखिए इस बार क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्थाई रखें और इधर घुमा रहे हैं अभी, है ना, देखिए ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका एंटी क्लॉक अर्थात
वामावर्त, ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे घूमता है, उसे घुमा रहे हैं। देखिए यहाँ तो आ गया है, अब यहाँ ले आए, यह कौन बन रहा है, तो सभी कौन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा समझना होगा। तो हम कहेंगे कि अगर है ना, अगर अगर बात मत समझिएगा कि अगर हम त्रिकोणमितीय कोण में धनात्मक कोण प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कैसे घुमाना होगा, कोण को हमें है ना एंटी क्लॉक घुमाना होगा, वामावर्त में घुमाने से, वामावर्त, वामावर्त या कहो एंटी क्लॉक वाइज अगर घुमाते हैं, एंटी क्लॉक वाइज घुमाइएगा तो वामावर्त में घुमाने से कैसा कोण बनेगा, तो पॉजिटिव कोण बनेगा। बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा सा टाइमिंग दीजिए समझाने का, बहुत मज़ा समझ में आएगा। अगर हम ऐसे घुमाएंगे इधर ला तो सब के सब पॉजिटिव कोण बनेगा, लेकिन अगर हम है ना दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की दिशा में घुमाएंगे है ना, दक्षिणावर्त हम दिशा में घुमाएंगे है ना, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने पर या कहो क्लॉकवाइज घुमाने पर, CLOCK क्लॉकवाइज घुमाइएगा कैसे, घड़ी जैसे घूमता है ऐसे घुमा करके, जैसे यहाँ पर हम बोले एक रेखा है, यहाँ से जा करके ऐसे कोण बनाया है, तो ये कोण कौन सी होगा है ना, इस प्रकार से, तो ये हो गया नेगेटिव कोण। ठीक है, नेगेटिव कोण हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर यहाँ पर स्टे है, स्थाई है, INS जा कैसे घुमा है ना, देखिए कैसे घुमा है, ऐसे घुमा है, तो पॉजिटिव कोण हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ है ना, कि अगर दक्षिणावर्त दिशा में घुमा कर कोण बनाया जाएगा तो नेगेटिव कोण घुमाने पर क्या होगा, नेगेटिव कोण बनेगा। और बामा का मतलब क्या होता है, एक घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाने पर प्लस कोण बनेगा। ठीक है, घड़ी के दिशा में घुमा के बनाइएगा तो नेगेटिव कोण बनेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।